नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, तकनीकी अभियान के द्वारा एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक अभियान स्टार्ट किया गया है, जो कि काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करा है ड्यूरिंग अंडर लॉकडाउन के दौरान। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज मेरा पार्ट 9 है, पार्ट 9 लेकर आया हूँ टेक्निकल कैंपेन के अंडर में। इससे पहले मैं 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि रिलेवेंट है फॉर आईटीआई स्टूडेंट लाइक फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए। टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों, मल्टी टाइम रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस से हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। लाइक आईटीआई में, डीआरडीओ में, इसरो में, वेल, गेल, सेल, एमडीएल, ओवी, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एचएल, बीएल, इन एग्जामों में हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन्हीं एग्जामों के जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी एक सीरीज़ है, टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है विद पिक्टोरियल व्यू के साथ में। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कैसे आपको इस टेक्निकल अभियान में एनरोल होना है, कैसे आपको अभियान में पार्टिसिपेट करना है और डे बाई डे अपनी स्किल को बूस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले जाना है आपको यूट्यूब पर, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन, एंड जैसा कि मेरा आपको साइड में लोगो दिख रहा है, लोगो दिख रहा होगा, लोगो को देख लेना है, देन सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी एंड विद पिक्टोरियल व्यू। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, फॉर कंपिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन लाइक वेल, गेल, सेल, इसरो, डीआरडीओ, ओएफबी, आईयूसीएल, ओएनजीसी एटसेट्रा बाय टेक्निकल कैंपेन, फिटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट आल्सो कंबाइंड ट्रेड। ठीक है दोस्तों, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए तो है ही, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिक्सअप क्वेश्चंस हैं जो कि एनटीपीसी हर बार एग्जाम में पूछता है, जैसे बेल्डर के, इलेक्ट्रीशियन के, एमएमबी के, और मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, इन ट्रेडों से रिलेटिव पूछ लेता है। तो कुछ क्वेश्चन इनके भी आज हमने अपने सेशन में इंक्लूड किए हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टी टाइम रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आज अपने पहले क्वेश्चन पे। द कम्बिनेशन सेट कैन बी यूज टू चेक एंगुलर सरफेस, ड्रा सर्कल एंड आर्क्स, नन ऑफ अबव। संयोजन सेट का उपयोग किया जाता है कोणीय सतह की जाँच करने के लिए, सर्कल को आर्क बनाने के लिए, मुंशी लाइनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कम्बिनेशन सेट का प्रयोग क्यों क्यों करते हैं, कम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं चेक एंगुलर सरफेस के लिए। दोस्तों, कम्बिनेशन सेट आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये कम्बिनेशन सेट होता है, इसमें ये स्टील टूल होता है, ब्लेड होता है, जिसमें एक आयताकार खांचा कटा होता है पूरी लंबाई में, जिसके ऊपर ये तीनों सेट माउंट किए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिखा, स्क्वायर हेड हो गया, ये प्रोटेक्टर हेड हो गया, और ये सेंटर हेड हो गया। स्क्वायर हेड का काम क्या काम होता है दोस्तों, स्क्वायर हेड का काम होता है 90 डिग्री और 45 डिग्री में किसी भी जॉब को चेक करने के लिए। ठीक है, नॉट मेजर, चेक करने के लिए, ये चेक करता है ना कि मापता है। ऐसे ही प्रोटेक्टर हेड है दोस्तों, ये चेक मेजर करता है किसी भी जॉब के एंगल को 1 डिग्री एक्यूरेसी में। ठीक है, चेक करता है, मार्किंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे ही दोस्तों, ये सेंटर हेड है किसी भी गोल राउंड वर्कपीस का सेंटर मालूम करने के लिए सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। रिवॉल्विंग हेड, इसको रिवॉल्विंग हेड बोलते हैं, रिवॉल्विंग हेड बोल दो। ठीक है, तो ये हमारे कम्बिनेशन सेट के और सारे पार्ट्स हो गए। यहाँ पर दोस्तों इसमें बता देता हूँ, एक स्प्रिट भी लगा होता है सेंटर स्क्वायर हेड में, और इधर एक नॉब लगी होती है जिसका प्रयोग किया जाता है मार्किंग जो करनी होती है उसकी लाइन खींचने के लिए। स्क्राइबर ना हो तो ये नॉब स्क्राइबर ही होता है, एक छोटा सा, तो लाइन खींचने के लिए इसी में दिया होता है। उस पर बेसिकली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि नॉब स्क्राइबर माउंट होता है किस पर होता है, तो ये होता है स्क्वायर हेड पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड यूज्ड एज रेफरेंस इन लेबोरेटरीज एंड वर्कशॉप आर रेफर्ड टू एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। वर्कशॉप में कौन सा स्टैंडर्ड यूज फॉलो किया जाता है, वर्कशॉप के लिए कौन सा स्टैंडर्ड रेफर किया जाता है, सॉरी। ठीक है, सेकेंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी एंड वर्किंग स्टैंडर्ड। प्रयोगशाला और कार्यशालाओं में संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाने वाले मानकों को संदर्भित किया जाता है तृतीयक मानकों के रूप में। ठीक है, तो सी आंसर इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फंक्शन ऑफ फ्लूट्स ऑन द ड्रिल बॉडी इज, ड्रिल की बॉडी में जो फ्लूट्स का कार्य होता है, क्या काम होता है फ्लूट्स का, टू रिमूव द चिप्स, चिप्स को रिमूव करने के लिए, टू स्ट्रेंथन द ड्रिल बॉडी, ड्रिल की बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, जनरेट कटिंग एंगल, कटिंग एंगल कोण उत्पन्न करने के लिए, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये फ्लूट्स क्या कार्य करते हैं, जो भी हम भी कटिंग करते हैं, इसके पास कटिंग होती है ड्रिल के द्वारा, जो उसको मटेरियल होता है वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर निकालने के लिए, तो इसका काम होता है टू रिमूव द चिप्स।
ए आंसर इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, जो एक साइड में एक स्टेट स्टेट ये स्टेट सैंक का ड्रिल दिखाया गया, ड्रिल बिट दिखाई गई, उसके ऑल सारे नॉमन क्लेचर दिखाए गए हैं, एक बार इसको आप अच्छे से देख लेना। आई होप पहले ही आपने अगर ITI में देखा होगा, अच्छे से आपको पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लेना डायरेक्टली पे ड्रिल के जो पार्ट्स हैं, जो नॉमन क्लेचर है, उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, और एक क्वेश्चन तो आपको ड्रिल के ऊपर मिलता ही मिलता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है तो एक बार इसको आप अच्छे से पूरा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बोर ऑफ 14.67 mm इन ए वर्क पीस कैन बी मेजर्ड बाई स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ऑल ऑफ द अबव। एक वर्क पीस में 14.67 mm का एक बोर द्वारा बोर मापा जा सकता है, किसके द्वारा? स्टील रूल के द्वारा, बिल्कुल गलत, नहीं मापा जा सकता। वर्नियर कैलिपर में भी हो सकता है, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर अगर इसने दिया होता इन साइड माइक्रोमीटर तो बात बन सकती थी, लेकिन इसने ऑलरेडी माइक्रोमीटर दिया तो नहीं बोल सकते हम, उपरोक्त सभी ये तो हो ही नहीं सकता, तो वर्नियर कैलिपर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है एक बार आपने वर्नियर कैलिपर देखा ही ITI में, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। वर्नियर कैलिपर ये होता है, ये इसके इंटरनल जो होते हैं फॉर मेजरिंग इनसाइड ओडी और इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल जो होते हैं ये आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए। ऐसे ही यहाँ लॉकिंग स्क्रू है इसका, ये मेजरिंग जो भी इसकी मेजरमेंट होती है उसको लॉक करने के लिए। ये एम्पीयर स्केल होती है इसकी, ये मेट्रिक स्केल होती है, ये डेप्थ ब्लेड होती है। ये यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर है दोस्तों, इसके द्वारा हम तीन तरह की माप ले सकते हैं, डेप्थ, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है बैंडियम स्केल, निकल क्रोम स्टील और मिट्टूटो जैसे कंपनियों के ये बने होते हैं। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच लुब्रिकेंट इज यूज ड्यूरिंग टैपिंग इन ब्रास? कैस्टर ऑयल, ब्रास की टैपिंग करते समय कौन से ऑयल का, लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ किया जाता है? कैस्टर ऑयल, बिल्कुल गलत। सोल्यूबल ऑयल में भी हो सकता है, अगर टैपिंग के जगह ड्रिल होता तो सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग हम कर सकते थे। वाटर, वाटर का बिल्कुल भी नहीं। ड्राई, ड्राई इज द करेक्ट आंसर। ब्रास के लिए जो टैपिंग होती है उसके लिए हम सूखा मतलब कोई भी सोल्यूबेंट लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि एक ब्रिटल जो हमारे पास मेटल होता है जैसे कास्टर, उसके लिए भी हम किसी लुब्रिकेंट का यूज़ नहीं करते। ऐसे ही ब्रास की टैपिंग के लिए हम किसी भी लुब्रिकेंट का यूज़ नहीं करते। अगर ब्रास की ड्रिलिंग करनी होती है तब हम सोल्यूबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड बोथ AC एंड DC वेल्डिंग मशीन? दोस्तों ये वेल्डिंग मशीन का जो कि NTPC में पूछा जाता है, मल्टी टाइम रिपीट हुआ है, तो मैंने सोचा वेल्डर वालों के लिए भी काफ़ी रिलेवेंटल रहेगा। ठीक है कार्बन इलेक्ट्रोड ए, बी एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड, सी बार मेटल इलेक्ट्रोड, डी माइल्ड स्टील कोटेड इलेक्ट्रोड। निम्नलिखित में किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग AC और DC वेल्डिंग दोनों पर किया जा सकता है? तो कार्बन इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका हम AC और DC वेल्डिंग पर दोनों में कर सकते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। ये इसका पूरा प्रोसेस दिखाया गया, ये वेल्डिंग मशीन होगी, इधर AC और DC हो सकती है, मे बी कोई सी भी हो सकती है इनमें से। तो इसके द्वारा जो ये अर्थिंग वाली होगी जो कि नीचे क्लैम वगैरह की हुई कोई सी, तो ये इसका होल्डर की वायर होगी। ठीक है होल्डर हो गया इलेक्ट्रोड का, ये इलेक्ट्रोड होगी जो कि कार्बन इलेक्ट्रोड है, इसकी आर्क निकल रही है। ठीक है तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरा होता है वेल्डिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्किंग बाई पंच विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट शुड बी सेम? पंच द्वारा अंकन में बिंदु के निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति समान होनी चाहिए? लंबाई समान होनी चाहिए, चौड़ाई समान होनी चाहिए, गहराई, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से तो पंच का कोई मतलब ही नहीं है, बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है सी, डेप्थ समान होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैं एक पिक्चर में दिखा देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। डेप्थ इज द करेक्ट आंसर। ये आपको डॉट पंच दिख रहा है, ऑल्सो नोन एज बिटनेस पंच, इसका पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री। इसमें क्या होता है, आपने कहीं एक जगह ज़्यादा चोट मार दी, दूसरी जगह हल्की मार दी, तो गहरे हो कहीं जगह क्या होगा, जो बिटनेस होगा पंच होगा हल्की मार्क होगा, दूसरी जगह आपने ज़्यादा चोट मारी तो वहाँ ज़्यादा गहरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, इक्वली प्रेशर अप्लाई करना है हमारे के द्वारा, जिससे कि आपको बिटनेस मार्क है अच्छे से दिखाई दें और आपकी जो लाइन है वो भी इधर उधर ना हो, अंडर टॉलरेंस ही रहे। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाशर इज यूज एट प्लेसेस वेयर लूजिंग ऑफ नट अकर ड्यू टू मोर वाइब्रेशन एंड जर्क? टैप वाशर, टैपर्ड वाशर, टूथ लॉक वाशर, स्प्रिंग वाशर।
निम्नलिखित में से कौन सा भाषा उन स्थानों पर उपयोग किया जाता है जहाँ अधिक कंपन और झटके के कारण क्रोध की कमी होती है? टैप भाषा, पतला भाषा, दंतित और लॉक भाषा, बसंत भाषा। तो ये पूछ रहे हैं जहाँ ज़्यादातर मतलब बोल्ट के नट, सॉरी नट के लूज होने के चांसेस रहते हैं नट बोल्ट के, तो वहाँ कौन सी भाषा हम यूज़ करते हैं? तो स्प्रिंग भाषा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फर्नेस टेम्परेचर? कौन सा इनमें से इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है? थर्मामीटर, बिल्कुल भी नहीं। पायरोमीटर मे बी, कॉयल इंडिकेटर, बिल्कुल भी नहीं। नन ऑफ दिस, गलत। पायरोमीटर इज द करेक्ट आंसर, जो कि फर्नेस की टेम्परेचर चेक करने के काम आता है, मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो ये एक बार पिक्चोरियल व्यू के हिसाब से आपने देख लिया, ये फर्नेस है और ये इनके हाथ में ये पायरोमीटर है। ये तो ऑप्टिकल है, डिजिटल बोल सकते हैं आप, डिजिटल वाला है के पास, ये पुरानी पद्धति वाला पायरोमीटर है। ठीक है, जो जिसके द्वारा ये यहाँ पर भट्टी का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है पायरोमीटर, बेसिकली आज के टाइम में तो इस तरह के पायरोमीटर यूज़ हो रहे हैं डिजिटल वाले। तो दोनों टाइप के हैं, आपने देख लिया अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ा, पिक्चर देखी, पायरोमीटर देखा, वर्किंग के दौरान कैसे काम करता है, क्या काम करता है वो देखा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट इज सूटेबल फॉर ए लाइव इलेक्ट्रिकल फायर? बटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फोम। इनमें से पूछा गया है कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट सूटेबल होता है लाइव इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मोर सूटेबल होता है इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पूरा फायर ए क्लास का, अकॉर्ड टू क्लास ऑफ फायर के हिसाब से यहाँ पर पूरा चार्ट शो किया गया है मेरे द्वारा, वो वही अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि क्लास ए में क्या होता है, पेपर एंड बुट्स, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, मैंने इस लास्ट में क्वेश्चन को इसलिए रखा है ताकि इसको मैं अच्छे से आपको डिटेल में बता सकूँ। ये क्या है, पेपर एंड बुट्स के लिए क्लास ए में होता है, बी होता है पेट्रोल, बी मतलब बोतल, कोई भी चीज़ अगर मैंने तो इस तरह से याद किया हो दोस्तों, बी मतलब बोतल, बोतल के अंदर क्या होता है, कोई भी लिक्विड होता है, डीजल पेट्रोल, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सी, सी मतलब कार्बन, कार्बन क्या है, गैस है, तो जितने भी गैसेस हैं, गैसेस से लगने वाली आएंगे वो सी में होती हैं। डी मतलब डेंजर, डेंजर कहाँ लिखा होता है वो, कि डेंजर, या वो आपको बोल सकते हैं डेंजर बोल सकते हैं, डेंजर कहाँ होता है, एक इलेक्ट्रिकल कोई भी कंपोनेंट वगैरह कुछ भी है वहाँ पर क्या डेंजर बना होता है, तो इस तरह से आप डी इसमें भी आती है इलेक्ट्रिकल के लिए एक अलग से, इसमें डीपली अगर आपको पढ़ना हो तो इसमें डीपली में कुछ ऐसे भी मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं कुछ जिनको डिफाइन किया जाता है डी से, इलेक्ट्रिकल में सेपरेट रखा जाता है, ऐसे ही कुछ क्लास एफ में है डी फैट फ्रायर। ठीक है, इनका कमेंट भी है दिया है किस क्या यूज़ करना है, किस में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, हाई रिस्क होता है। तो वाटर के लिए क्या होता है, वाटर यूज़ किया जाता है क्लास ए में, इन सभी फायर किसी में भी नहीं होता, ओनली क्लास ए में यूज़ किया जाता है पानी का। ऐसे ही फोम का यूज़ होता है, क्लास ए में कर सकते हैं, क्लास बी में भी कर सकते हैं, जैसे ड्राई पाउडर है, ड्राई पाउडर को मैक्सिमम में कर सकते हैं जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, बट क्लास एफ में नहीं यूज़ करना है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपको क्लास ए में नहीं करना है यूज़, बी में कर सकते हैं, सी में भी नहीं करना, डी में नहीं करना, इलेक्ट्रिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं। बैट केमिकल, बैट केमिकल का यूज़ ए में कर सकते हैं, एक क्लास में, क्लास एफ में कर सकते हैं, बाकी किसी में नहीं करना, यूज़ ऑन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पर आपको कमेंट में दिखाएगा, यूज़ ऑन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर यूज़ करना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पहले, इससे पहले क्वेश्चन दिखाया आपको इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए, अगर आपको इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं होता, इसकी जगह कोई और ऑप्शन होता, तो इसके द्वारा अगर इन तीनों ऑप्शन में पूछा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर होता, अगर CTC नहीं होता, क्योंकि CTC क्या है, मोर सूटेबल है फॉर इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 सीरीज के 10 क्वेश्चन कम्प्लीट हुए। आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा सेशन को, काफ़ी लाइक भी किया हुआ, काफ़ी पसंद किया दोस्तों आपने। आपको कंटेंट कैसा लगा, मैथोलॉजी कैसी लगी, और मेरे द्वारा
जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि स्किल बूस्टर कैंपेन के थ्रू है, आपको अगर लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन। बट इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैं 8 पार्ट ऑलरेडी डाल चुका हूँ, एक बार उनको भी आप ज़रूर देख लें, काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है मेरे द्वारा उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल।